पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवा समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिन सर्वप्रथम आचार्य जी द्वारा पूजन का आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य यजमान विपिन शर्मा व दैनिक यजमान राजकुमार शर्मा सहपत्नी उपस्थित रहे। तत्पश्चात कथा प्रारंभ हुई, जिसमें कथा व्यास श्री व्योम त्रिपाठी जी ने भक्तों को भागवत कथा में परिचित जन की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि हम सभी परमात्मा के संतान हैं, हम सब एक ही हैं और आपस में जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये सब भगवान के रूप हैं। दान का महत्व बताते हुए कहा कि हमें दान करना चाहिए। साथ ही भगवान के जन्म उत्सव की कथा सुनाई। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए बावन अवतार की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाया और बावन भगवान की सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गयी। व्यास जी ने कथा में बीच में सुंदर भजनों के महत्व से भक्तों को झूमने को मजबूर कर दिया। भक्तों को संदेश दिया कि बिना स्वार्थ की गई भगवान की भक्ति ही हमारा कल्याण कलयुग में कर सकती है और इसका एकमात्र सहारा हरि नाम संकीर्तन है। हमें भगवान के नाम के जपते रहना चाहिए। सेवक का एक कर्तव्य होता है। स्वास्थ्य सेवा समिति के षष्ठम वार्षिक उत्सव पर टीडीआई सिटी में शिव शक्ति मंदिर पर एक भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें अपने ही नगर के प्रसिद्ध कथा व्यास श्रद्धेय श्री व्योम त्रिपाठी जी द्वारा यहाँ 7 दिवसीय कथा का आयोजन स्वास्थ्य सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। आज कथा के तृतीय दिवस व्यास जी ने भक्तों को संदेश दिया है और भक्तों को अनेक चीज़ों का महत्व समझाया। बहुत ही सुंदर भजनों के माध्यम से आनंद में कथा का सभी भक्त यहाँ आनंद ले रहे हैं। मैं सभी महानगर वासियों से ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कथा में भक्ति रस का वस्पान करें।